मॉर्निंग, नमस्कार। तो ईएसआई सीट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये उसकी वेबसाइट है। एक्चुअली लेट मी गो टू दिस वेबसाइट, ये इनकी मेन वेबसाइट होती है। वैसे ये भी नहीं होती, ये होती है। देखेंगे तो काफी सारे थे, और मैं वेट रहा था वेरी फ्रेंकली। ये होम पेज होता है ईएसआई वेबसाइट का, से जब आप एडमिशन्स में जाते हैं तो आप यहाँ पहुँचते हैं। तो हिंदुस्तान में टोटल 11 कॉलेजेस हैं जहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई की जाती है। टोटल 437 सीट्स हैं। एक्चुअली ये 437 तो इंश्योर्ड पर्सन की सीट है, रफली स्पीकिंग 1,000 सीटें हैं। तो देखिए, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में 50,000 सीटें ही हैं, वहाँ पर 1,000 सीटों का बहुत महत्व हो जाता है। और फिर एक और बात आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा ही झटका लगेगा, वो ये है कि जो ईएसआई इंश्योर्ड पर्सन है उसको कितना बेनिफिट होता है। अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो समझिए, ये एडमिशन्स आते हैं। मैं इस नोटिस को भी दिखाता हूँ, और क्यों मैं अभी तक वेट कर रहा था वेरी फ्रेंकली, क्योंकि ये नोटिस तो आ गया था 15 दिन पहले, लेकिन मैंने बनाए क्यों नहीं थे या वीडियो, क्योंकि इसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली थी कि इंश्योर्ड पर्सन के लिए लिंक जो है वो 5 जुलाई को खुलना था। तो मुझे लगा कि एक बार लिंक लाइव हो जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा आपको लाइव डेमो दिखा के, लेकिन वो लिंक लाइव ही नहीं हो रहा है। ये नोटिस उन्होंने कल दिया है कि भाई, क्योंकि क्योंकि जो ये जब हम इंश्योर्ड पर्सन के लिए मांगते हैं ना सर्टिफिकेट, तो हमें नीट का रोल नंबर देना होता है, जो अभी तक आया ही नहीं है। उसकी वजह से यही इन्होंने नोटिस कल डाला है कि वो जो लिंक है, क्योंकि 5 जुलाई को लाइव होना था, वो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड रोल नंबर फॉर नीट यूजी अभी तक एनटी ने रिलीज नहीं करा है, लिंक हमने अभी तक नहीं डाला है। ठीक है ना, अब थोड़ा समझते हैं कि आईपी कोटा है क्या। तो देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सालों से ही ईएसआई एक हॉस्पिटल्स होते हैं, ये उन्हीं के लिए होते हैं। वैसे कहना नहीं चाहिए, बट जनरली पीपल जो लो लो वेज का काम करते हैं, लेट मी नॉट कॉल इट फैक्ट्री वर्कर, क्योंकि अगर आप एक दुकान में भी काम करें, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी टोटल सैलरी 21,000 रुपये पर मंथ से कम है, तो बाय द लॉज ऑफ इंडिया आपके एम्प्लॉयर को आपको ईएसआई में रजिस्टर करना चाहिए, जिसमें महीने में आपके कुछ पैसे कटते हैं। मैं फिगर मुझे याद नहीं, 300-400 रुपये कटते हैं, और बेसिकली आपको इंश्योरेंस मिलता है ताकि आप अपना फ्री में इलाज करा सके अपनी और अपनी फैमिली का ईएसआई के हॉस्पिटल्स में। तो ईएसआई के हॉस्पिटल्स पूरी इंडिया में फैले हुए होते हैं, और उन्हीं में से कुछ हॉस्पिटल्स में अब मेडिकल कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। और ईएसआई के कॉलेज में खोले गए हैं, 40% ऑफ सीट्स रफली, दैट मीन्स अगर ये ईएसआई फरीदाबाद में एक टोटल 100 सीटें हैं, 43 सीटें, तो एग्जैक्टली वी कैन से 43% सीटें हैं वो रिजर्व होती हैं। तो हम बोलते हैं वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, जो कोटा होता है। अब देखिए, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो तो अभी ईएसआई में नहीं होगा ना, वो तो अभी 17-18-19 साल का है, पर जिसके मम्मी या पापा में से कोई भी एक ईएसआई में कवर है वो इस सीट के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब देखिए, ईएसआई टेक्निकली स्टेट कॉलेज है, वो भी समझ लीजिए। स्टेट कॉलेज का मतलब ये है कि जैसे अगर ईएसआई फरीदाबाद है, इसकी गिनती फरीदाबाद के स्टेट मेडिकल कॉलेज में होती है, सेंट्रल कॉलेज में नहीं होती। ईएसआई ना फिर से बड़े कंफ्यूज हैं कैसे। हम जानते हैं एम्स, बीएचयू, जिपमर, एएमयू, ये सेंट्रल कॉलेज है, इसमें कोई स्टेट कोटा नहीं है, सारी सीटें इंडिया के लिए अवेलेबल है, राइट। ऑल इंडिया कोटा का चक्कर नहीं है, 100% सीट्स ऑफ एम्स दिल्ली आर अवेलेबल फॉर ऑल पीपल अक्रॉस इंडिया, सब जानते हैं। कोर्स एएमयू और बीएचयू में थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक कोटा है, वो एएमयू और बीएचयू का कोटा है, लेकिन वो यूपी कोटे से कोई लेना देना उसका नहीं है। ईएसआई में फिर से हम एग्जाम्पल के लिए ईएसआई फरीदाबाद पकड़ते हैं, 100 सीटों में से जो 43 को निकाल के जो 57 सीटें हैं ना, वो तो है सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए, क्योंकि वो जनरल सीटें हो गई, जनरल सीटें हो गई हरियाणा के बच्चों के लिए, जिसके अंदर से भी 15% ऑल इंडिया कोटा निकलेगा, वो अलग बात हो गई, राइट। ऐसे ही कॉलेज है, इस तरह दो तरह की सीटें, 43 सीटें वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, 57 सीटें नॉर्मल। अब जो 57 सीटें हैं, इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा भी होता है, क्योंकि नॉर्मल मेडिकल कॉलेज की सीट हो गई, लेकिन जो 43 सीटें हैं ना, इसमें सारी की सारी सीटें ऑल इंडिया अवेलेबल है। जी हाँ, तो ये जो 437 सीट्स है ना ईएसआई की, इसमें कोई स्टेट कोटा नहीं होता, दैट मींस ऑल दीस 47 सीट्स आर अवेलेबल ऑल इंडिया। अब आप समझिए, अगर आप ईएसआई में कवर होते हैं तो आपको क्या एडवांटेज होगी, और आप एक दिल्ली जैसे या हरियाणा जैसे स्टेट में जहां मुश्किल से सरकारी सीटें 800 हैं, तो आप ईएसआई के बच्चा आता है,
तो आप ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल हैं, जो हम सभी जानते हैं रफली 5-6 हज़ार सीटें हैं। साथ में आप अवेल एलिजिबल अपने हरियाणा सीटों के लिए, साथ में आप अवेल एलिजिबल है पूरी 437 सीटों के लिए। ये ना कॉलेजेस बड़े शानदार हैं मल्टीपल वेज में। एक तो उनकी फीस फिक्स है, जो जनरल सीट थी जैसे ESF फरीदाबाद में 57, उसी सीट उसी फीस 1 लाख पर ईयर। बाकी बच्चों के लिए फीस, इंश्योर्ड पर्सन की फीस 24,000 रुपये पर ईयर, बहुत सस्ती। इसमें कोई बॉन्ड किसी स्टेट का लागू नहीं होता। तो चाहे ESF फरीदाबाद हरियाणा में है, हरियाणा का वो जो इन फेमस 7 साल और 40 लाख का बॉन्ड आया 2 साल पहले, वो इस कॉलेज में लागू नहीं होता। ESI में जब आप पढ़ाई करते हो तो 1 साल का बॉन्ड होता है किसी भी ESI में, और वो बॉन्ड ये होता है कि आप ESI के ही हॉस्पिटल में जॉब करोगे। तो वेरी फ्रेंकली, और उसकी पेनल्टी भी बहुत नॉमिनल 5 लाख रुपये होती है अगर आप तोड़ो। जनरली देखिए, जब तक आपका नीट PG में सिलेक्शन होगा, आप जाओगे, तब तक आप बहुत समय बिता ही लेते हो। प्लस अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो ESI के हॉस्पिटल में 1 साल जॉब करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही स्पेसिफिक छोटा ऐसे ड्रेडेड मरीज आते हैं। आप फिक्स हो कि आप ESI के हॉस्पिटल में जाओगे, तो जनरली वो चलता हुआ हॉस्पिटल होगा, अच्छी लोकेशन में होगा, अच्छी मतलब कोई बिल्कुल ही कोने में नहीं होगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल अक्सर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ ना आसपास इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, आबादी वाला एरिया होता है। क्योंकि इन हॉस्पिटल्स की मेन, जैसे मैं जानता हूँ, पर्सनली समझता हूँ कि दिल्ली में, हाँ मैं देखता हूँ इन हॉस्पिटल्स को ना, तो बिल्कुल यहाँ बहुत जैसे फैक्ट्री वर्कर बहुत आते हैं, बिल्कुल कटे फटे, कोई मशीन में किसी का हाथ आ गया, पैर आ गया, आईनो सुनने में खराब लगता है, ये सब चीज आपको यहाँ पर मिलते हैं इन हॉस्पिटल्स में। तो आप 1 साल एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे ना यहाँ, तो बहुत ज़बरदस्त आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, क्योंकि बहुत ही ड्रेडेड पेशेंट आते हैं। ऑफ कोर्स वो लेबर क्लास की अगर जो चीज़ हैं और वो जॉब नहीं कर रही है, कर भी रही हैं, वो भी डिलीवरीज के लिए इन हॉस्पिटल्स में आती हैं। तो आपको गायनी का एक्सपीरियंस, हार्ड कोर सर्जरीज, आपको पता है फैक्ट्री लेबर को दुनिया भर की बीमारियां होती रहती है बिकॉज ऑफ दी हजार्डस वर्किंग कंडीशंस। तो आपको बहुत डिफरेंट तरह के मरीज यहाँ पर मिलते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो बैकग्राउंड देखिए, इन्होंने अपनी सूचना जाहिर, क्योंकि अभी इसमें क्या है कि पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता है जो हमें लेना होता है, जिसको बोलते हैं वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का सर्टिफिकेट। वो अप्लाई करना होता है जो भी लोग ESI के लिए एलिजिबल हैं। तो वो सर्टिफिकेट आपको इशू होगा जब आपने नीट का फॉर्म भरा है, तो आपने बोला होगा कि आप ESI के अंडर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उस फॉर्म को, उस चीज को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो तभी आपको इशू करते हैं बेसिकली, वो सब इशू नहीं करना चाहते हैं ना, जब आपको अपना नीट का रोल नंबर डालना पड़ता है। क्योंकि अभी तक नीट का रोल नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए वो चीज अभी होल्ड पे चली गई है, इसलिए हमें इस वेबसाइट पे वो लिंक लाइव नजर नहीं आ रहा है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का होता है। इसके अलावा सारी बातें मैंने आपको बता दी ब्रॉडली। लड़कियों को 2 अलग से एनेक्शस करने होते हैं, बेसिकली लड़कियों को ये दिखाना होता है कि मैं अभी तक अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट हूँ, मोटा मोटी मेरी शादी नहीं हुई है, राइट। तो इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि ये कॉलेजेस हैं, ठीक ठाक लोकेशंस पे हैं। देखिए, अलवर राजस्थान, गुलबर्गा कर्नाटका, चेन्नई के अंदर है, बेंगलोर शहर में। तो मैंने जैसे मैंने कहा था ना कि जनरली ये जो है ये अच्छे लोकेशन में होते हैं, और फरीदाबाद का तो बहुत फेमस है, डेंटल कॉलेज भी गुलबर्गा में है। हमने जो बात कर ली दोनों सीटों में, तो जो 43 सीटें हैं इसके अंदर भी वही SC ST OBC जनरल EWS होता है, और जो बाकी 57 सीटें हैं उसमें भी, जो भी कैटेगरी रिजर्वेशन हैं वो हर जगह लागू होता है। अब इन्होंने बोल दिया कि कौन कौन है जो वार्ड पर्सन को अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना, और इसमें आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं। आप अप्लाई करोगे, जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको मालूम होता है मैंने किस ऑफिस में जाना है, आगे हाउ टू अप्लाई, जो जैसा मैंने कहा कि लिंक अभी आएगा, ये वाले वो होंगे, जो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देते हो तो आपको अपने एक रीजनल ऑफिस में जाके वो एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। वो सबमिट करते समय क्या क्या चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ESI कार्ड आपके पेरेंट का, वे स्लिप फॉर मार्क्स, क्योंकि देखिए ये 22 सेशन का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, बाकी सब फर्जी। और आपको बहुत बड़ी टीम मिलेगी जो उस वीडियो को सुन रहे हैं, और फ्यूचर के जो बच्चे हैं, मतलब 2022 सेशन के हैं, वो तो शेयर नहीं कर पाएंगे बैक डेट में। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन रीजनल ऑफिस एम्प्लॉय, देखिए वे स्लिप, क्योंकि क्योंकि ये 22 सेशन है, अगेन हम रिपीट करेंगे, देखिए बिकॉज ऑफ लेट हो गए हैं, हमें लगता है कि 22 भी खत्म होने को हो रहा है, ऑलरेडी जुलाई आ चुका है, बट जमाने में तो मई में नीट होता था ना, तो ये 1 साल पहले का ले रहे हैं कि जो पेरेंट है वो मार्च में वो होना चाहिए एम्प्लॉयड। दैट मीन्स अगर आप रिटायर हो गए हैं जनवरी में दिसंबर में, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो।
सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस सिर्फ एक साल की दिखानी है, मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, और एक और दिखा दिया गया फ्रॉम डेट ऑफ एंट्रिंग एम्प्लॉयमेंट। अभी बहुत बड़े चेंज है जो लोगों को पता ही नहीं है। तो देखिए, एक जमाने में यही जो रूल था ना, ये 5 साल का था कि जो बच्चे का पेरेंट है वो 5 साल से एम्प्लॉयड होना चाहिए। और एम्प्लॉयड का मतलब यह है कि 5 साल से आपका ESI कट रहा है। और देखिए बड़ी ना, मैं आपको बता देता हूँ, तो कई बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनकी 25 लाख रुपए साल की इनकम है, वो भी अपने आप को ESI में रजिस्टर करा लेते हैं किसी दोस्त की फैक्ट्री में, ताकि उनके बच्चे को ये ESI इंश्योर्ड पर्सन का एडिशनल बेनिफिट मिल जाए। देखिए ऐसा क्या है कि ESI में कवर होने में आपका कुछ और रिजर्वेशन नहीं जा रहा है, तो आप अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, आप ESI की सीट भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं, राइट। ESI जनरल, देखिए अब आप वैसे सोचिए, जिसकी 21 हज़ार रुपये साल की टोटल फीस, वो इनकम महीने की से कम है, उसकी तो साल की इनकम होगी 2.5 लाख से कम, तो आइडियली तो सारे ही लोग EWS में आने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ कई लेबर ऐसी होती हैं जो कि EWS में नहीं आती हैं और ESI जनरल में आती हैं। ऐसा क्यों होता है? कई लोग 25 लाख साल के कमाने वाले भी अपने किसी दोस्त की फैक्ट्री में अपना नाम लिखवा के अपना ESI कटवा लेते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक और बात, पहले ये काम 5 साल के लिए करना पड़ता था, अब ये काम सिर्फ 1 साल के लिए करना है। दैट मीन जो 2030 सेशन का देख रहे हैं, अगर आप 1 अप्रैल 2022 से अपना ESI कटवाना शुरू कर दें 31 मार्च 2030 तक, आपके बच्चे को भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने अगर अभी तक भी नहीं कटवाया है तो 1 साल भी नहीं चाहिए। अगर आप जुलाई से शुरू कर दें अपना ESI कटवाना अगले मार्च तक, तो भी आपके बच्चे को ये बेनिफिट मिल जाएगा। वो आप इन सीटों के लिए एलिजिबल हो जाओगे जो कि 440 सीटें हैं, और इन सीटों की जो कट ऑफ है वो नॉर्मल कट ऑफ से करीबन 50 नंबर कम चलती है। तो अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, आपकी जो कट ऑफ, देखिए चूंकि ये सारी सीटें ऑल इंडिया हो जाती हैं, तो आप ये भी क्लैरिफाई कर दूँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टेट हैं जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उनके बच्चों को ज़्यादा फायदा होता है। आप पहले से अगर आप मध्य प्रदेश में हैं जहाँ पर आपको 550 नंबर पर सीट मिली रही है, जैसे ESI जनरल का कट ऑफ लास्ट ईयर 550 था, इमेजिन। अब आप कहोगे जी मैं तो मध्य प्रदेश का हूँ, मेरे को तो इन नंबरों पर वैसे सीट मिल गई, लेकिन दिल्ली का बच्चा, हरियाणा का बच्चा, राजस्थान का, बिहार का, जहाँ पर कट ऑफ 600 के ऊपर जाती है, वहाँ 50 नंबर में आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। स्टेट से काफी लोग हैं जो ये ESI में अपने आपको डलवा लेते हैं। और आपका चाहे इसमें ना आपकी इनकम टैक्स वेरिफिकेशन है, तो अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपका अलग से बिजनेस चल रहा है, साइड बाय साइड आप यहाँ पर ESI में नौकरी कर रहे हो, तो आप फिर भी आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आपका टोटल इनकम कम होनी चाहिए, आपका बस ESI कट रहा है तो आप ESI के अंडर आ गए। ये सबसे मेन चीज है। ये जो ब्रोशर है 22 पेज का, मैंने ये कहा ये ट्यूशन फी 24 हज़ार रुपये जो इंश्योर्ड पर्सन की होती है, हॉस्टल वगैरह सब एक्चुअल पे होता है, जो वंस अगेन बहुत ज़्यादा नहीं होता है इन सरकारी कॉलेजों में। बाकी बहुत सिंपल है ब्रोशर समझने में, और जैसा मैंने कहा कि मैं तो चाहता था कि लिंक लाइव हो जाए तो मैं आपको लाइव डेमो दिखाता। ये एनेक्सचर्स हैं लास्ट में, 10 पेज की कहानी है, उसके बाद तो एनेक्सचर्स चालू हैं। इंश्योर्ड पर्सन, बॉन्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन किसे कहते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ये वो है जो आपको मिलता है ना बन के, तो ऐसा आता है जो अथॉरिटी आपको साइन करके देगा, रीजनल डायरेक्टर जैसा मैंने कहा। तो ये बच्चे की फोटो होगी, बच्चे के पेरेंट की फोटो होगी, नीट रोल नंबर लिखा होता है इस पे, इसलिए जरूरी है कि उन्होंने वो जो अभी रोक दिया है उसके लिए है, जिनकी डेथ हो गई है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, उनके लिए दूसरा सर्टिफिकेट बनता है। और फिर जो मैंने कहा था कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बनता है, वो आप पढ़ सकती हैं दोनों, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एफिडेविट। और फिर जो ESI का बॉन्ड मैं आपको बता रहा था जो आपको एडमिशन के टाइम भरना होगा, तो एक्चुअली आपको 5 लाख रुपये देने होते हैं, 1 साल ESI के हॉस्पिटल में आपको जॉब करनी होती है, ठीक है। तो ये सब कहानियां हैं जी, और जैसा कि मैंने कहा बहुत बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बहुत शानदार कॉलेज हैं। ये अभी भी कल ही नोटिस आया है कि नीट का रोल नंबर नहीं आया है, तो हमने पोस्टपोन कर दिया है, ये जो एडमिशन में सबसे ऊपर आ रहा है। तो ठीक है, अगले साल के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार के लोग भी इनो के, देखिए ये जो बना था ना, ये ऐसा ये बना तो उनके लिए था जो जेनुअन ESI हैं, एक्चुअली लेबर फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, 20 हज़ार से कम कमाने वाले। लेकिन जैसा कि इंडिया में हर एक चीज़ का एक्सप्लॉटेशन हो जाता है, तो इस चीज़ का भी हो ही रहा है। मैं कौन होता हूँ किसी को मना करने वाला, जिसको करना है वो कर भी सकता है।
आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। 2022 सेशन बिल्कुल घर पे आ चुका है। 17 जुलाई को नीट है। आप लोग हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहें, नंबर आपको मालूम ही है, 9643362320। मेरा असूल बहुत क्लियर है। पहले 5000 रुपीज़ की हम नॉमिनल फीस लेके बच्चे के पेरेंट से बात करते हैं अबाउट 30-40 मिनट्स। समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको कौन कौन सी सीट मिल सकती है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट फिर हमारा फाइनल पैकेज बनता है। मैं हमेशा लोगों कहता हूँ हमारा फाइनल पैकेज 5000 से स्टार्ट होके 1.5 लाख रुपये तक तो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके मार्क्स कितने हैं, आपको सीट कौन सी चाहिए और बाकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो उन्हीं पहले आधे घंटे में समझाया जाता है, जिसके नॉमिनल 5000 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। और फिर उसमें बहुत खुल के आपको बताया जाता है 30,000 के पैकेज और 1.5 लाख के पैकेज। 30,000 का पैकेज तो मोस्टली उन्हीं के लिए जिनके सरकारी सीट कन्फर्म है, हम उनके लिए खाली गवर्नमेंट सीट सप्लाई करते हैं। और उसके नीचे आते ही फिर वो जैसे प्राइवेट कॉलेज का एक भी फॉर्म आ जाता है, पैकेज स्टार्ट फ्रॉम 50,000 और आपके 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कितना काम और कितनी एफर्ट आप हमसे कराना चाहते हो। सभी जानते हैं कि MBBS इंडिया के सारे क्लाइंट से काम मैं अपने हाथों से करता हूँ, सब क्लाइंट से डील मैं डायरेक्टली करता हूँ, आप सब लोग मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं। वंस यू पे अस द फी, कि आपका काम बिल्कुल क्वालिटी के साथ हो और छोटे या स्टाफ के जिम्मे आपका काम नहीं दिया जाता, ताकि कोई गलती ना हो और आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस दी जाए। तो ये एक फ़र्क है हम में और बाकी कंसल्टिंग कंपनी शुड आई से। पिछले साल के मैं सिर्फ 50 पैन लेता हूँ MBBS इंडिया के लिए, बाकी समय हम और काम करते हैं, इसमें ऑफ कोर्स आई हैव अ लास्ट टीम आल्सो, बट MBBS इंडिया इज सो ट्रिकी एंड सो कॉम्प्लिकेटेड कि सारे काम मैं अपने हाथों से ही करता हूँ। ओके, सो आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो यू कैन कॉल अस, फिक्स अप द टाइम फॉर द फर्स्ट मीटिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।